पाकिस्तान पैंतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा। दूसरी तरफ चीन सरहद पर नई साजिश रचने में लगा है। लद्दाख में पिटने के बाद चीन बैकफुट पर आ गया था, जिसकी वजह से उसकी बौखलाहट बढ़ गई। चीन ने अब ईस्टर्न कमान में नया षड्यंत्र रचा है। अरुणाचल प्रदेश के ठीक पास चीन ने 3 नए गांव बसा दिए, जो उसके विस्तारवादी मंसूबे का जीता जागता सबूत है। पेंगोंग में पीटा, गलवान से घसीटा, ब्लैक टॉप से खदेड़ा, फिंगर 5 से भगाया, बौखलाए चीन का नापाक मंसूबा फिर सामने आया। पूर्वी कमांड पर चीन की बहुत बड़ी गुस्ताखी। आपको डोकलाम में चीन के घुसपैठ याद होगी, और ये भी याद होगा कैसे भारत ने डोकलाम से चीन को खदेड़ दिया था। लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। इन दो तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें प्लेनेट लैब्स ने ली हैं। पहली वाली तस्वीर इसी साल 17 फरवरी की है। तस्वीर में देखने से पता लगता है कि कुछ घर जैसी आकृति दिखाई दे रही है। दरअसल ये एक गाँव है जिसमें करीब 20 घर तैयार कराए गए थे, फिर वहां लोगों को बसाया गया। अब देखिए दूसरी तस्वीर, ये इसी साल 28 नवंबर की तस्वीर है। उसी इलाके में गांवों की संख्या 1 से बढ़कर 3 हो गई, और कम से कम 50 आकृतियों वाले 3 अलग अलग एनक्लेव दिख रहे हैं, जो एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बताया जा रहा है गांवों में आपस में पक्की सड़क से कनेक्टिविटी है, और घर ऐसे बनाए गए हैं जो हर तरह का मौसम झेल सके। ये पक्ष चाइना को जो है लैंड ग्रैबिंग, जैसे साउथ चाइना सी में किया है, बाकी जगह किया है, और अब ऐसा लग रहा है कि और भी लैंड ग्रैब आस्ते आस्ते भूटान में कर रहे हैं। जिस इलाके में चीन ने हिमाकत दिखाई है वो बुम लापास कहलाता है। ठीक 5 किलोमीटर के अंदर ये 3 गांव बसाए गए हैं। चीन की ये हरकत इसलिए भी परेशान करने वाली है क्योंकि उसने ठीक उसी जगह के पास अपने विस्तारवादी एजेंडे को हवा दी है, जहां वो 2017 में डोकलाम वाली चालाकी दिखा चुका है। लेकिन इस बार चीन ने सिविलियन के तौर पर घुसपैठ की है। चीन ने अरुणाचल से लगे तिब्बती इलाके में घुसपैठ करके अपने उन झूठे दावों को सही साबित करने की कोशिश की है जिनका वो राग अलापता रहा है। अरुणाचल के पास चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के हैन चाइनीज और तिब्बती सदस्यों को बसाया है। जैसे चीन दक्षिण चीन सागर में मछुआरों का इस्तेमाल करता है, जैसे लद्दाख वाले इलाकों में घुसपैठ करने के लिए चरवाहों और ग्रेजर का इस्तेमाल करता है। लेकिन चीन को हर मोर्चे पर भारत ने करारा जवाब दिया है। डोकलाम, गलवान के बाद अब की बार बुमला के पास से भी उसे खदेड़ दिया जाएगा और ड्रैगन खिसिया कर रह जाएगा। और चीन की इस गुस्ताखी का जवाब तो उसे मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको तस्वीरें दिखाएं जो आपको हैरान कर देगी। असम के डिब्रूगढ़ से तस्वीरें आ रही हैं, जो दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है उसकी तस्वीर आपको हैरान करेगी, परेशान करेगी। मार्केट में धमाके के बाद यहां भीषण आग लग गई। सिलेंडर में यह धमाका हुआ था, जिसके बाद अफरा तफरी मची हुई है असम के डिब्रूगढ़ से। वाकई ये परेशान करने वाली तस्वीरें, असम से बहुत बड़ा धमाका हुआ, अचानक से सिलेंडर फटा और यहां भीषण धमाके के बाद भीषण आग लगी है। इस सिलेंडर में धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। तस्वीर देखिए, लोग अचानक से कुछ समझ पाते, उससे पहले ही इतना बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके के साथ यहाँ आग लगी है। मार्केट में ही इतनी भीषण आग के साथ यहाँ अफरा तफरी मच गई। लोग अभी भी यहाँ पर, जो हिंदुस्तान पर सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, जी हिंदुस्तान पर असम के डिब्रूगढ़ की ये तस्वीरें, जहाँ भीषण धमाके के बाद जबरदस्त तरीके से आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, धुआं उठता दिखाई दे रहा है। जी हिंदुस्तान पर इस वक्त की असम के डिब्रूगढ़ की पहली तस्वीरें कि अब अफरा तफरी मची है। लेकिन देखिए, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जा सके। और इस वक्त आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस वक्त समझ लीजिए कि चीन कैसे गुपचुप तरीके से अपनी साजिश को अंजाम दे रहा है। 2017 में उसने सैनिकों के कैंप बना लिए थे, अब उसी जगह के पास गांव बसा दिए हैं, वो डोकलाम के पास है। आपको बताया मैंने पहले भी
कि कैसे अरुणाचल के पास उसने कोशिश की, उसने अपनी साजिश, अपने विस्तारवादी मंसूबे को बढ़ाने की कोशिश वहां पर की। और आप ग्राफिक्स के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे चीन दो तरफ से विस्तारवादी एजेंडे पर चल रहा है। एक तरफ उसने भूटान में करीब 4 गांव बसा दिए जिनकी डोकलाम से दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। दूसरी तरफ उसने अरुणाचल के एकदम पास बिल्कुल सटे हुए 3 गांव बसाए जिनकी डोकलाम से दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। यानी इस बार चीन ने सिविल घुसपैठ की है, क्योंकि पिछली बार भारत ने सैनिकों के कैंप पर आपत्ति जताई थी। आपको याद होगा, अच्छे से याद कीजिए कि कैसे हिंदुस्तान ने चीन को जवाब दिया था, डोकलाम में उसकी गर्दन कैसे मोड़ी थी। हालांकि चीन के ये गांव अवैध हैं, इसीलिए भारत इनका विरोध करेगा। तो चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन को यह समझ आ जाना चाहिए कि अब ये नया भारत है, ये नया हिंदुस्तान है। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।